हाई एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम करने वाले हैं बहुत ही सुंदर सा मेकअप, जिसके लिए सबसे पहले हम करेंगे CTM, दैट इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक वेट कॉटन पैड लिया, उससे अच्छे से फेस को क्लीन किया। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई किया टोनर, विच इज फ्रॉम TNW विटामिन सी टोनर। और मेक श्योर आप हर स्टेप के बाद ड्राई करेंगे फेस को। और फिलहाल के लिए अभी हमने जो है मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, पहले मैं लगा रही हूँ लेंसेज, क्योंकि काफ़ी बार मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ना लेंस लगाते टाइम ना फिंगर्स फिसलने लगती हैं, तो इसलिए मैं तो यही ट्राई करती हूँ कि मॉइस्चराइजर से पहले ही लेंस लगा लूँ। तो लेंस हमने यूज़ किए हैं डाहब के इन द शेड मार्बल, बहुत प्यारा शेड है ये। और इसी तरीके से आप लगाएंगे लेंसेज, मेक श्योर आपके हैंड्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, वॉश करके आप लेंसेज को अप्लाई करो। और इसके बाद मैं यहाँ पे आई मेकअप के लिए बेस रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है एल्फ कंसीलर, बहुत अच्छा कंसीलर है, फुल कवरेज है। इसे हम ब्लेंड करेंगे मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। मेक श्योर जो भी आप ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो, इधर मिनी ब्यूटी ब्लेंडर और नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर, आपका ब्लेंडर जो है वो डैम्प होना चाहिए। और इसी तरह हम डैब डैब करके ब्लेंड कर देंगे। और उसके बाद हम करेंगे पाउडर लॉक। और पाउडर लॉक के लिए आज मैंने एक नया लूज पाउडर ट्राई किया, दैट इज़ एयर स्पन। और टू बी ऑनेस्ट बहुत बहुत अच्छा पाउडर है ये, मैंने इसको दो बार यूज़ किया है एंड ट्रस्ट मी, लॉरा मर्सिया जैसा ही इसका इफेक्ट है। तो अगर आप बिगिनर हो या फिर अभी आप इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो ये वाला लूज पाउडर आप ले सकते हो। आई थिंक ये 1000 के अराउंड में आपको मिल जाएगा। और इसके बाद अब मैं अपर वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ काजल, विच इज़ फ्रॉम रिकोड। और अच्छे से वाटर लाइन पर हम काजल अप्लाई कर लेंगे, इससे आई मेकअप और इन्हांस हो जाता है, बहुत सुंदर लगती है आईज। और इसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ आई शेडो एप्लीकेशन से। यहाँ मैंने ले लिया हुडा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट, और यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ दो कलर्स के साथ में, पिंक और लाइट ब्राउन को मैंने मिक्स किया है। और इनका जो आउटफिट है दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट है तो हमारे पास ऑप्शंस जो हैं बहुत सारे हैं, हम कोई भी आई कलर दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक के साथ तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक पहले तो ट्रांजिशन शेड दे रहे हैं पिंक ब्राउन न्यूट्रल कलर का, और अपर क्रीज पर उसको अच्छे से अप्लाई कर लिया। और इसके बाद कॉर्नर्स पर मैंने लिया है ब्लैक, और ब्लैक को भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया और उसको थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड तक ले गए, ताकि वो एक लाइनर की लुक भी दे। और इसी तरीके से हम अच्छे से ब्लेंडिंग कर देंगे। ब्रश अगर आप देखो तो मैंने बहुत ज़्यादा फ्लफी ब्रश नहीं लिया है, काइंड ऑफ पेंसिल ब्रश ही लिया है, और इससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एंड इसके बाद हम सेंटर पे रखेंगे एक शिमरी सा शेड, जो कि मैं यूज़ करूँगी जैकलिन हिल आई शेडो पैलेट से। तो जो फर्स्ट शेड है आई शेडो पैलेट का, वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी सेंटर पे। और एक फ्लैट मिनी ब्रश ले लिया है, उसकी हेल्प से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ आईलेट पर, एंड बहुत सुंदर सा लुक आ जाता है। आप किसी भी आई मेकअप में इसको यूज़ करो सेंटर पे, और उसके ऊपर आप थोड़ा सा ग्लिटर लगाओ, ट्रस्ट मी बहुत प्यारा लगता है। एंड इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ। इसके बाद ब्लैक शेडो को एक बार और ब्लेंड कर लेंगे, ताकि सब कुछ मर्ज लगे, ऐसा ना लगे कि एक कलर अलग है दूसरा कलर अलग है, सब कुछ ब्लेंडेड दिखाने के लिए हमें ब्लेंड करना ज़रूरी है। सो एक बार और इसको फाइनल ब्लेंड कर रहे हैं हम। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ग्लिटर, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का टू वे जेल, विच इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट। फिंगर से इसको अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे हमने शिमर शैडो लगाया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये क्राइलॉन का पोल वाइट ग्लिटर, इतना सुंदर ग्लिटर है ये, बहुत प्यारा सा ग्लिटर है। और इसको भी मैं एक छोटे से फ्लफी ब्रश के साथ में अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद ब्राउ बोन पर मैंने अप्लाई किया है हाइलाइटर। सो हाइलाइटर मैंने जो लिया है वो वही है जैकलिन हिल का फर्स्ट शेड, उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ब्राउ बोन को हाईलाइट करने में। और अब हम इनकी नोज पिन को रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लुक वेस्टर्न है और नोज पिन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था इस लुक पे देने के लिए, इसलिए हमने उसको रिमूव कर दिया है। और इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, विच इज़ फ्रॉम फेसेस कैनेडा। एंड नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे आई लैशेज, विच इज़ फ्रॉम विंसम एक्सेसरीज, और इसको मैं आई लैश ग्लू के साथ अप्लाई कर दूंगी। उससे पहले मैं यहाँ पे रिकूट के काजल से एक बार और डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि पहले हमने सिर्फ आई शेडो लगा रखा था, अब उसी को एज अ लाइनर मैं और डिफाइन कर रही हूँ रिकूट काजल से। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लैशेज, जिसके लिए मैंने यूज़ किया PAC आई लैश ग्लू। एंड मैंने पहले वीडियोस में भी बताया कि इससे पहले मैं आर्डेल डुओ लैश ग्लू बहुत यूज़ करती थी, बट अब जो मेरी करंट फेवरेट लैश ग्लू है दैट इज़ PAC की आई लैश ग्लू, बहुत ही अच्छी है। अगर आप एक बार लगा दोगे तो जब तक आप खुद नहीं हटाओगे वो नहीं हटेगी। और इसके बाद हम जो है लैश लगाने के बाद एक बार और डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्केच आईलाइनर यूज़ किया उसको नीट करने के लिए। एंड इसके बाद अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ सेटअपिल का हाइड्रेटिंग लोशन, और फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ही मैंने इसको अप्लाई कर लिया फ्लैट ब्रश से। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद मुझे इनकी नोज़ के साइज़ पे थोड़े पोर्स फील हुए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कलर बार का प्राइमर अप्लाई किया है सिलिकॉन बेस्ड, और इससे जो हमारे पोर्स हैं वो काफ़ी हद तक फिल हो जाएंगे। और ये सिर्फ मैंने इसी एरिया पे अप्लाई किया है जहाँ पे पोर्स थे,
और बाकी एरिया पे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी मेकअप बेस। ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया एंड आई क्वाइट लाइक दैट, मुझे अच्छा लगा ये क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा ग्लो भी मिला मुझे एंड में। तो यस, मैं रिकमेंड करूँगी कि हाँ आप इसको ज़रूर ट्राई करो। और इसे मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ ऑल ओवर द फेस। और इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो की फाउंडेशन पैलेट से एक शेड डार्कर एज अ कंसीलर। और इसे भी मैं जहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा पिगमेंटेड या डार्कर एरिया लग रहा है वहाँ वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। सो एक तो मुझे थोड़े से जो एक्ने फील हो रहे थे वहाँ मैंने अप्लाई किया, और अंडर आइज पे अप्लाई किया बहुत मिनिमल क्वांटिटी में क्योंकि मुझे हैवी बेस या हैवी कंसीलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक मुझे क्लाइंट खुद ना बोले कि मैम आप हैवी कर लो या मैम आप पूरा हाइड कर दो मेरा एक्ने पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल्स, तब तक मैं बहुत ही लाइट कवरेज रखती हूँ क्योंकि हैवी मेकअप मुझे नहीं पसंद। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ PSC का HD लिक्विड फाउंडेशन। दो शेड्स मैंने लिए हैं 1.6 एंड 1.4। 1.6 मैंने नोटिस किया ज़्यादा ही येलो लग रहा था तो इसीलिए मैंने 1.4 उसमें मिलाया ताकि वो थोड़ा बेटर हो जाए। और अभी हल्का सा मुझे येलो लग रहा है बेस, इसीलिए मैं इसको जब क्रीम हाइलाइटिंग करूँगी ना तो वो थोड़े पिंक टोन या वाइट टोन के कंसीलर से ही करूँगी ताकि ये जो येलो है वो नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने देखो कितनी कम क्वांटिटी में फाउंडेशन को अप्लाई किया। और इसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे विद अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। और ब्यूटी ब्लेंडर में मैं काफ़ी बार मेकअप फिक्सर भी अप्लाई कर लेती हूँ या फिर मैक का प्रेप प्लस प्राइम फिक्स स्प्रे इस पर थोड़ा सा लगा लेती हूँ जिससे कि हमें बहुत अच्छा ग्लो भी मिलता है और मेकअप फिक्स भी हो जाता है। डैप डैप करके इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, देखो कितना नेचुरल बेस लग रहा है। और अभी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लाइटिंग नहीं है, बस एक दो नॉर्मल लाइट लगी हुई है। एंड में मैं आपको विद लाइट पे इसका लुक दिखाऊंगी। और अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ एल्फ का कंसीलर। तो जैसे मैंने कहा था इसको मैं थोड़ा न्यूट्रल टोन में ही रखूँगी, तो वही मैंने लिया है और उसको अप्लाई किया। एंड बहुत अच्छे से इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। काफ़ी बार हम देखते हैं कि पिक्चर्स और वीडियोस में मेकअप बहुत सुंदर लग रहा होता है बट इन रियलिटी वो काफ़ी हैवी मेकअप होता है। सो अगर आप मेरी वीडियोस में देखेंगे तो 80% ऑफ द वीडियोस में मैं बहुत नेचुरल मेकअप रखती हूँ और जो 20 होता है वो क्लाइंट की डिमांड होती है कि हमें फुल कवरेज मेकअप ही चाहिए तो मुझे करना पड़ता है। बट पर्सनली आई लाइक टू डू वेरी वेरी सटल मेकअप। आप देखते हो ही होंगे कि मैं कितना मिनिमल क्वांटिटी में प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। सो इसका फ़ायदा ये रहता है कि जब सामने से कोई देखता है तो उन्हें भी बहुत नेचुरल और अच्छा मेकअप लगता है और इवन पिक्चर्स में भी इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। सो और एक चीज़ और जो मैंने नोटिस किया है कि अगर आप बहुत हैवी मेकअप में हाथ लगा दोगे तो उसका फिंगरप्रिंट आ जाता है काफ़ी बार, लेकिन अगर आप लाइट मेकअप में अगर आपका हाथ लग जाता है तो वो उतना विजिबल ही नहीं होता क्योंकि उसमें प्रोडक्ट ही इतना कम लगा है तो बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। सो मैंने क्रीम कॉन्टोरिंग भी मेकअप स्टूडियो पैलेट से करी है और इसको बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड कर दिया है। नेक्स्ट बारी आती है क्रीम ब्लश की। यहाँ पे मैं ले रही हूँ NYBAKE का मूज ब्लश और इसे भी मैं एक ब्लश ब्रश के साथ में अप्लाई कर रही हूँ चीक्स पर, नोज़ पर और चिन पर। इससे बहुत प्यारी लुक आ जाती है। सो यस, डोंट स्किप दिस स्टेप, बहुत सुंदर सी लुक आएगी इस स्टेप को करने में। एंड इसके बाद अब हम करने वाले हैं पाउडर लॉक। तो यहाँ पे जितनी भी क्रीज लाइंस आ रही थी अंडर आइज पे वो हमने नीट कर ली है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन एस्पन का लूज पाउडर और इसे भी मैं ऑल ओवर द फेस अप्लाई कर दूंगी स्पेशली ऑन हाइलाइटिंग पॉइंट्स। इनका हेयर स्टाइल भी बहुत सुंदर हुआ था, उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी चैनल पर। नेक्स्ट हम बनाएंगे ब्राउज। तो अभी आप देख रहे हो इनकी ब्राउज जो है वो बहुत ही पतली सी है तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड करने वाली हूँ। तो हम किस तरीके से इसको ब्रॉड करेंगे आप देखते रहो। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने में। अगर हम डायरेक्ट एक शेप बना देंगे ना तो वो अलग अलग दिखने के चांसेस रहते हैं और वो बहुत आर्टिफिशियल भी लगता है। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जैकलिन हिल आई शेडो पैलेट से नीचे से ब्राउन डार्क ब्राउन शेड उठाया और उसके बाद मैं यहाँ पे धीरे धीरे इन्हांस कर रही हूँ ब्राउज को। जितना मुझे लग रहा है मुझे नीड है और इन्हांस करने की उतना उतना धीरे धीरे कर रही हूँ और एक बहुत अच्छी सी आर्च क्रिएट कर रही हूँ। तो इस तरीके से धीरे धीरे फिल भी करते रहेंगे और शेप भी देते रहेंगे और मेक श्योर करेंगे दोनों साथ साथ करें ताकि एक बड़ी एक छोटी ना लगे, साथ साथ करेंगे तो इक्वल इक्वल ब्राउज चलेंगी। एंड अब आप देखना जब ये ब्राउज बन जाएंगी ना कितना सुंदर सा एक लुक निकल के आएगा क्योंकि पहले पतली ब्राउज थी, अगर हम सिर्फ उसको ही फिल करते तो वो शायद उतना अच्छा लुक क्रिएट ना करती, लेकिन अब हमने इसको थोड़ा सा थिक किया क्योंकि थिक ब्राउज बहुत सुंदर लगती हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा फिल कर दोगे और शेप दे दोगे तो आप फाइनल लुक देखना कि कितनी प्यारी हो जाएगी। तो एक एक फीचर इन्हांस करता है पूरे लुक को, ब्राउज हो, आई मेकअप हो, कॉन्टोरिंग हो, हाइलाइटिंग हो, लिप शेप हो, तो एक एक चीज़ मैटर करती है। तो आपको बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से उसको करना है। एंड ऑलमोस्ट हमारी ब्राउज जो है वो डन है, इसको एक बार और डिफाइन करूँगी। तो अब मैंने लिया है एनेस्टासिया का ब्राउ डिफाइनर
इसको फाइनल टच देने के लिए। एंड बस दो तीन चीज़ों का ही ध्यान रखना है, जैसे जैसे फिल करते जाओ वैसे वैसे आप ब्रश भी करते रहो इस तरीके से, और बस तभी आपका नेचुरल लुक अपने आप क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आर्टिफिशियल ब्राउज है या फिर ब्लैक ब्राउज है, ऐसा नहीं लगेगा। सुंदर सी ब्राउ लुक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग द ब्राउज, और यू कैन सी द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस की शी वॉज डेफिनेटली वेरी हैप्पी विद द लुक। और इसके बाद अब हम करेंगे ब्रॉन्जिंग, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट होला का ब्रॉन्जर, और जहाँ जहाँ पे हमने क्रीम कॉन्टोरिंग करी थी ठीक उसी के ऊपर हम इसको भी अप्लाई कर लेंगे विद वेरी सॉफ्ट हैंड्स। जहाँ आपने रब किया वहाँ से बेस खराब होना शुरू हो जाएगा, इसलिए मेक श्योर आप बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इसको अप्लाई करो। और जो जो मेरे वीडियो देखता है उन्हें पता होगा कि आई डोंट लाइक हैवी कॉन्टोरिंग, मुझे बिल्कुल भी हैवी कॉन्टोर या हार्श लाइन्स पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही नेचुरल रखती हूँ। एंड ऑल्सो हमारा जो मेकअप है वो हाफ एन आवर या वन आवर के बाद प्रॉपर लुक दिखाते हैं, प्रॉपर सेट होता है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करती हूँ कि जब वो सेट हो, जब उसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो मर्ज होंगे या स्किन में थोड़ा सा जाएंगे या सेट होगा मेकअप, तो वो कैसा लगेगा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ये करती हूँ कॉन्टोरिंग। अदरवाइज़ मैं ये भी ना करती, बट ये काफ़ी लाइट हो जाता है बाद में, इसीलिए आई डू इट। और इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ नार्स ब्लश इन द शेड ऑर्गेज़म। ये पहले मैंने बहुत कम यूज़ किया था, बट अब मैं इसको ऑलमोस्ट डेली यूज़ करती हूँ। जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनके भी आउटफिट में पिंक है या आई मेकअप के साथ पिंक है या लिपस्टिक पिंक लगानी होती है, तो मैं ज़रूर इस ब्लश को लगाती हूँ, क्योंकि एक तो ये शाइन भी देता है फेस में और कलर भी इसका बहुत सुंदर है। इसके बाद अब हम लोअर लैश लाइन पर शेडो अप्लाई करेंगे। तो मैंने दो शेड्स लिए, वन इज़ ब्राउन एंड अनदर इज़ दिस रेडिश पिंक। और इसके साथ अब हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट ऑफ कर रहे हैं फ्लफी ब्रश की हेल्प से, और बेस आप देख सकते हो बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा है, अभी ही ओवर नहीं लग रहा है, तो सेट होने के बाद ही थोड़ा और नेचुरल लुक देगा। एंड नेक्स्ट बारी आती है लोअर लैश मस्कारा एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे अगेन मैं फेसेस कैनेडा का ही मस्कारा यूज़ कर रही हूँ लोअर लैशेस पर। एंड इसको लगाते ही मेक श्योर क्लाइंट नीचे ना देखे, क्योंकि अगर वो एकदम से फेस नीचे कर लेगा और नीचे देखेगा ना, तो देयर आर चांसेस कि अंडर आइज पर मस्कारा लग जाए। तो इस टाइम पे आपको क्लाइंट को कहना है कि एटलीस्ट 10-20 सेकंड्स के लिए ऐसे ही देखते रहो ऊपर। और इसके बाद हमने किया है स्प्रे। तो यहाँ मैंने लिया अपना फेवरेट मैक का फिक्स प्लस, और इससे ग्लो भी बहुत अच्छा आता है और मेकअप काफ़ी हद तक सेट भी हो जाता है। एंड आज के टाइम पे तो वैसे ही क्लाइंट्स को ग्लो चाहिए फेस पर, तो यस आपको आप ये यूज़ कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा ग्लो। एंड नेक्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं हाइलाइटर। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ओफ्रा का हाइलाइटर, और यहाँ पे मैंने वाइट और रोज गोल्ड को मिक्स करके लगाया है। हाइलाइटिंग पॉइंट्स हमें पता ही है, क्यूपिड्स बो, चीक्स, नोज, चिन, ब्राउ बोन, टीयर डार्क, यहीं पे हम हाइलाइटर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। और इसके बाद मुझे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट लग रही थी कि मुझे अंडर आइज़ पर थोड़ा सा ग्लिटर देना है या फिर इनर कॉर्नर्स पर थोड़ा सा ग्लिटर देना है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी सेम ग्लिटर जो हमने ऊपर अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैं मेकअप स्टूडियो टू वे जेल लगा रही हूँ लोअर लैश लाइन पर, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्लिटर बहुत ही छोटे से पेंसिल ब्रश के साथ में। पर्ल वाइट ग्लिटर मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्राइलॉन का है ये। एंड इसके बाद बारी आती है लिप्स की। तो यहाँ पे मैं लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ ब्राउन कलर का, और अंदर भी मैं इसी को ही फिल कर दूँगी, और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ग्लॉस जिससे कि लुक और इन्हांस हो जाएगा। लिपस्टिक पे भी हमें ध्यान रखना है, जब भी हम लिप्स कंप्लीट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि दोनों लिप्स इक्वल लगे, अपर लिप एंड लोअर लिप इक्वल लगे। काफ़ी बार क्लाइंट के डिफरेंस होता है, कभी अपर लिप थोड़ा सा प्लम्पी होता है, कभी लोअर लिप प्लम्पी होता है, तो मेक श्योर आप दोनों को इक्वल कर पाओ। तो जब भी आपको ज़रूरत लगे ओवर लाइनिंग करने की तो वहाँ पर आप ओवर लाइनिंग करो, बट इतना ज़्यादा भी नहीं करना है कि वो अलग से दिखे और बुरा लगे, बट अच्छा लगना चाहिए वो। तो यहाँ पर मैंने दोनों को ही थोड़ा थोड़ा ओवर लाइन किया है, और आप देखो कैसे प्लम्पी लुक आने लगी एकदम से। और इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स की ग्लॉस, ये भी मुझे पर्सनली अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे मुझे मिली। एंड आई वांटेड टू ट्राई अ न्यू ग्लॉस, तो मैंने ये इसको ट्राई किया एंड आई पर्सनली लाइक दैट। और यहाँ पे क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लुक के साथ में। और नेक पर हम अप्लाई कर रहे हैं कॉम्पैक्ट, और फाउंडेशन हमने नहीं लिया है क्योंकि इनका जो आउटफिट था वो पूरा नेक कवर कर रहा था, इसीलिए हमने कॉम्पैक्ट ही अप्लाई किया है यहाँ पे। बट अगर क्लाइंट की डिमांड हो तो आप फाउंडेशन पे अप्लाई कर सकते हो। और इसको मैं पाउडर ब्रश के साथ में अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ,
और आप देखो ये मेकअप लुक। फाइनली ये हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल मैं आज डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि इसका ट्यूटोरियल कब आएगा यूट्यूब पर, क्योंकि जब से मैंने इनकी रील डाली थी इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे मैसेजेस आए कि हाँ इसका हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल ज़रूर डालना। सो यस इट इज़ हेयर। और आप देख सकते हो कि ये हेयर स्टाइल मैं नहीं कर रही हूँ इस बार, ये मेरी टीम कर रही है, विंसम टीम। यस यू हर्ड इट राइट, हमारा स्टूडियो एंड एकेडमी ओपन हो चुका है ईस्ट दिल्ली में करकड़ुमा में, और हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं जैसे कि मेकअप, हेयर, नेल्स और प्रॉपर एकेडमी है जहाँ पे आप प्रोफेशनल हेयर स्टाइल और मेकअप का कोर्स सीख सकते हो। नंबर मैंने दे दिया है, कोई भी अपॉइंटमेंट हो या फिर इंक्वायरी हो आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम हेयर प्रिपरेशन से, तो यहाँ चल रही है ईयर टू ईयर पार्टिंग में क्रिम्पिंग और बैक पे चल रहे हैं कर्ल्स। क्रिम्पिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं टाइटेनियम क्रिम्प फ्रॉम आइकॉनिक, और बैक पे हम यूज़ कर रहे हैं आइकॉनिक का टोंग 25 mm में, और आई गेस 22 mm होगा क्योंकि मुझे देखने में थोड़ा पतला लग रहा है, तो यस 22 mm। और दूसरी चीज़, हमने इससे पहले हेयर प्रिपरेशन के लिए ड्रायर किया है और उससे भी पहले हमने हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती अगर मैं वो वाला भी पूरा दिखाती, इसीलिए वो मैं आपको बता रही हूँ। हमने सबसे पहले हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाना है, फिर हमने ड्रायर करना है, और हम इसके बाद कर रहे हैं क्रिम्पिंग और साथ साथ बैक पे कर्ल्स भी चल रहे हैं। तो इसके बाद जब क्रिम्पिंग ख़त्म हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि बैक से क्या करना है। और इनके मेकअप की वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर डल चुकी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बहुत बहुत ग्लोइंग ग्लैम मेकअप हमने किया है, आई मेकअप भी बहुत सुंदर हुआ है, तो आप ज़रूर देखना मेकअप ट्यूटोरियल भी। एंड आप देख सकते हो आगे का जो क्रिम्पिंग पार्ट है वो ऑलमोस्ट डन है, एक साइड से पूरा डन है, अब हम दूसरी साइड से भी उसे कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को रियल हेयर पे हेयर स्टाइल देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर शायद से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो मैं ट्राई करूँगी कि डमी से ज़्यादा आपको रियल हेयर पे ही दिखाऊँ हेयर स्टाइल्स, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से सीख पाओ। बट हाँ, इतना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बैक पे और आगे साथ साथ काम हो रहा है, तो अभी मैं आपको बैक का भी दिखाती हूँ। तो क्रिम्पिंग हो गई है आगे, बैक पे अभी मैं दिखाती हूँ ये वाले हमने कर्ल्स कर लिए हैं टोंग से, ठीक है। सी सेक्शन में से अभी हम एक और सेक्शन लेंगे, इस तरीके से हमने एक और सेक्शन ले लिया है, और अब हम लगाएंगे हेयर एक्सटेंशंस। तो हेयर एक्सटेंशन लगाने से पहले यहाँ इस सेक्शन पे हम बना रहे हैं पोनीटेल। पोनीटेल इसलिए बना रहे हैं ताकि जो हमारी एक्सटेंशंस लगेगी वो एकदम अच्छे से फिक्स हो जाए, और क्योंकि क्लाइंट को है काफ़ी ज़्यादा, और कभी डांस करना होता है, कभी 8 से 12 घंटे तक उस हेयर स्टाइल को मैनेज करना होता है, तो इसीलिए हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी एक्सटेंशंस जो हैं वो बिल्कुल भी अपनी जगह से खिसके नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक पोनीटेल बना ली है, इसके हेयर को भी हम कर्ल कर लेंगे और फिर इसके बाद हम लगाएंगे हेयर एक्सटेंशंस। और यहाँ पे हम 5 क्लिप वाला हेयर एक्सटेंशन ये अप्लाई करेंगे। एंड यस, आप यहाँ पे आयरन कर्ल्स भी कर सकते हो जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, और आयरन कर्ल्स का मुझे ये भी लगता है कि वो ज़्यादा स्टे करते हैं। और यहाँ पे हमारे क्लाइंट के जो हेयर थे वो ड्राई पार्ट पे थे, हमने उनसे पहले ही पूछ लिया था कि आपके कर्ल्स स्टे करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ स्टे बहुत अच्छा करते हैं कर्ल्स, तो इसलिए हमने टोंग कर्ल्स कर लिया। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे हम एक लगा रहे हैं एक्सटेंशंस, और इनका जो नीचे का हेयर था वो ब्राउन में ही था, इसलिए हम ये ब्राउन कलर के एक्सटेंशंस लगा रहे हैं। अच्छे से बॉब पिन को क्रिस क्रॉस पोजीशन में लगा के फिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये हेयर एक्सटेंशन बाय करनी हो तो आप हमें DM भी कर सकते हो हमारे इंस्टा पेज पर, या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एंड वी शिप ऑल ओवर इंडिया, तो चाहे डमी हो, चाहे हेयर एक्सेसरीज हो या फिर एक्सटेंशन हो, आप कुछ भी हमसे बाय कर सकते हो और आपको बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं, हमने फ्रंट से थोड़ा सा सेक्शन छोड़ा है और इस सेक्शन पे हम बनाएंगे पोनी टेल। तो अच्छे से इसको पहले नीट करने के लिए हमने स्प्रे किया, 2 स्प्रे का हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, शाइन स्प्रे एंड होल्ड स्प्रे। और यहाँ पे शाइन स्प्रे करने के बाद अब हम यहाँ पे बना रहे हैं पोनी टेल, जिससे हमें एक पोनी लुक मिले और बहुत अच्छी वॉल्यूम मिले। और वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे स्टफिंग, तो पोनी के नीचे हम यहाँ पे एक स्टफिंग लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ बॉब पिंस एंड यू पिंस। अच्छे से इसको प्लेस कर लेंगे, तो थोड़ी सी वॉल्यूम हमें मिल जाएगी स्टफिंग से और बाकी की वॉल्यूम हमें मिल जाएगी बैक कॉम्बिंग से। और इसी तरीके से पोनी में से 1 by 1 सेक्शन लेंगे और उन्हें कर्ल कर लेंगे। काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ रही हैं कोर्सेज से रिलेटेड, मेकअप और हेयर दोनों, एंड इवन अब तो सेल्फ मेकअप की भी आ रही है। तो हमारे पास सारे तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप 1-on-1 ले लो, आप बैच में ले लो, ऑनलाइन ले लो, जैसे भी आपको सूट करता है आप वो कोर्स में इनरोल कर सकते हो। आपको बेसिक करना है बेसिक करो, एडवांस करना है एडवांस करो, बेसिक टू एडवांस करना है आप वो भी कर सकते हो। तो आप एक बार हमें व्हाट्सअप कर सकते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या सीखना है और हम वो आपको सिखाएंगे। कस्टमाइज्ड कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, इवन आप किस टाइम पे सीखना चाहते हो वो भी हम आपके अकॉर्डिंग मैनेज करवा सकते हैं। तो आप ज़रूर एक बार हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो इस दिए गए नंबर पे और सारी डिटेल्स हमसे ले सकते हो। सो अगर किसी क्लाइंट को वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चाहिए, हेयर स्टाइल जो है वो बहुत बाउंसी और वॉल्यूमिनस चाहिए, तो आपको फुल हेयर में क्रिम्प करना है, ठीक है, ताकि आपको फुल हेयर में वॉल्यूम मिले अच्छा सा। और अगर किसी को चाहिए कि लेंथ भी अच्छी हो, बैक से वॉल्यूम भी अच्छी हो, तो आप 2 एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी की वॉल्यूम हेयर में बहुत ही कम है या किसी के बहुत शॉर्ट हेयर है तो आप दो एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज एक में भी, मतलब मेरे लिए तो एक बहुत सफिशियंट हो जाती है और इसमें भी बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बन जाता है। सो पोनी वाले हेयर हमने अच्छे से कर्ल कर लिए, अब बारी आती है फ्रंट की। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि इन पर फ्रंट कैसा सूट करेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप व्हेन यू आर डूइंग अ हेयर स्टाइल। तो सबसे पहले निकालेंगे सेंटर पार्टिंग, और यहाँ पे आप सीरम का यूज़ भी कर सकते हो, अदरवाइज आप शाइन स्प्रे यूज़ कर सकते हो। और शाइन स्प्रे में एक ही फेवरेट स्प्रे है मेरा, विच इज़ ओसिस प्लस शाइन स्प्रे फ्रॉम शॉर्सकॉफ। और अगर आपको थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस में लेना है तो आप गोदरेज का शाइन स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो, इट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। एंड इसके बाद हम सेक्शन बाय सेक्शन ले रहे हैं और कर रहे हैं बैक कॉमिंग, क्योंकि हम यहाँ पे बनाने वाले हैं पफ, और बड़ा पफ नहीं बनाना है, छोटा पफ ही बनाना है। सो दो से तीन सेक्शंस लेंगे, बैक कॉम करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा पाउडर लगा रहे हैं विच इज़ अगेन फ्रॉम ओसिस प्लस, ताकि इससे जो बैक कॉम है वो एकदम मेंटेन रहे। और अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा वॉल्यूम चाहिए तो आप पाउडर के बाद थोड़ा सा स्प्रे भी लगा सकते हो ताकि वो फिक्स हो जाए और एज इट इज़ वॉल्यूम बनी रहे। तो यहाँ पे अब हम इसको नीट कर लेंगे और एक प्यारा सा छोटू सा पफ क्रिएट कर देंगे। इसी के साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि फेस के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल बनाएं। ऐसा ना हो कि फेस बहुत बड़ा है और आपने ऐसा हेयर स्टाइल बना दिया कि फेस और बड़ा लगे, ऐसा भी ना हो कि फेस इतना छोटा है और आपने इतना वॉल्यूम दे दिया कि फेस और छोटा लगे। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो अभी भी हम साथ साथ फेस को दिख रहे हैं कि सब कुछ सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अब हम पफ में लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी के लिए हमने पफ को यू पिन से लॉक किया हुआ है। अब हम इसमें अच्छे से लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं और इसके बाद हम फ्रंट को भी सेट कर लेंगे। तो बारी आती है फ्रंट की, तो हमें एक साइड के हेयर लेने हैं। पहले मिड पार्टिंग निकालेंगे, उसके बाद वन साइड के हेयर लेंगे, डायगोनल सेक्शन हमें लेना है। और यहाँ पे सबसे पहले हम सेक्शन चेक कर रहे हैं कि हाँ सेंटर पार्टिंग है या नहीं। इसके बाद हमें डायगोनल सेक्शन लेना है, और जहाँ जहाँ से आपको लगे टैंगल्स हो रहे हैं या ड्राई या रफ हेयर है वहाँ पे आप शाइन स्प्रे का यूज़ करो। और इसके बाद डायगोनल सेक्शन लिया, बैक कॉम करी, यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर यूज़ किया, और इसके बाद दूसरा सेक्शन लिया। अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करना है ताकि वॉल्यूम अच्छी मिले, नीटनेस आए और बैक कॉम हमारी ना खुले। और इसके बाद इसको नीट करते हुए थोड़ा सा स्प्रेड करना है एंड देन पीछे लॉक करना है। तो यहाँ पे हम पहले प्रॉपरली टैंगल फ्री कर रहे हैं, बाहर से नीट कर रहे हैं, उसके बाद इसमें लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं, और इसके बाद इसको पीछे ले जाके लॉक कर देंगे। लेयर्स निकाल ली हैं और अब इस सेक्शन को हम पीछे ले जाके बॉब पिन से लॉक कर देंगे। जब भी छोटे सेक्शंस हो तो आप छोटी बॉब पिन ही यूज़ करो, अदरवाइज बड़ी बॉब पिन अगर आप यूज़ करोगे छोटे छोटे सेक्शंस में तो बहुत सारी पिन हो जाएंगी और हैवीनेस फील होगी हेड पे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो यहाँ पे आप ऊपर का सेक्शन हमने लॉक कर लिया, इसी तरीके से नीचे का सेक्शन लेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा। बस आपको ये देखना है कि फेस पे ठीक लग रहा है या नहीं, साथ साथ मिरर में आपको ये भी चेक करके जाना है, और फिर इसको भी लॉक कर देना है पीछे ले जाके। और सेम चीज़ अब हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। जब भी आप सेंटर पार्टिंग वाला कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ ना, मिरर के आगे ही बनाना और साथ साथ एक एक स्टेप पे देखते रहना, अदरवाइज क्या होगा दोनों जो पार्ट्स हैं वो अलग दिखने लगेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ब्रेड बना रहे हो, चाहे आप ट्विस्टिंग कर रहे हो, चाहे आप स्प्रेडिंग पुलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आप साथ साथ देखते जाओ मिरर में कि क्या जो मैं बना रही हूँ या बना रहा हूँ वो इक्वल लग रहा है या नहीं लग रहा। तो अभी आप देखोगे हम साथ साथ इसमें मिरर में देख देख के इसकी लुक ले रहे थे, और फिर हमने बिल्कुल इक्वल इसको बनाया और पीछे ले जाके सेट किया। और अब हम इसमें लेयर्स क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाला सेक्शन भी लेंगे, उसमें भी लेयर्स क्रिएट करेंगे और फिर लॉक कर देंगे पॉप पिन से। और देखो आप इस तरीके से भी इक्वल कर सकते हो, जहाँ से भी आपको लगे कि ऊपर नीचे है वहाँ से या तो आप टेल कॉम की हेल्प से इक्वल कर सकते हो या फिर आप पुलिंग करके भी इक्वल कर सकते हो। साथ साथ फिनिशिंग के लिए हम स्प्रे भी यूज़ कर रहे हैं, टाफ्ट का स्प्रे नंबर 5 इज़ बेस्ट होल स्प्रे, आप आराम से उसको यूज़ करो और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर आप डस्टेड पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। सो डस्टेड पाउडर जो है वो जनरली हम सिल्की हेयर में यूज़ करते हैं जब हमें बैक कॉम करनी है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब बहुत सिल्की हेयर होते हैं और बैक कॉम करते हैं हम तो वो बहुत बार खुलने के चांसेस होते हैं। सो टू मेक श्योर कि वो बिल्कुल भी ना खुले तो आप डस्टेड पाउडर और उसके साथ स्प्रे दोनों यूज़ करो ताकि वो एज इट इज़ रहे। और इसके बाद हम आ गए हैं वापस बैक पे, तो बैक पे अच्छे से हमें बैक कॉमिंग करनी है और एक एक सेक्शन इस तरीके से हमें ड्रॉप करते जाना है कर्ल करते हुए। और अगर आपको और अच्छी वॉल्यूम देनी है तो आप कर्ल को अलग अलग कर दो, एक कर्ल के 2-3 कर्ल्स निकालो और इस तरीके से उसको वॉल्यूमिनस बना दो। इसी तरीके से बैक के कर्ल्स हम कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे हमारा 70-80% हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो चुका है, और बैक के सारे कर्ल्स हम प्रॉपरली कर्ल कर लेंगे। और ये भी आपको मेक श्योर करना है कि सारे कर्ल्स इवन लगे, ऐसा ना हो कि कोई ऊपर से कर्ल किया कोई नीचे से कर्ल किया, ये चीज़ होगी तो अच्छा नहीं लगेगा हेयर स्टाइल, तो इसलिए मेक श्योर करना है कि सारे कर्ल्स इक्वल लगे। एंड आप ऑलरेडी क्लाइंट के फेस पे खुशी देख सकते हो कि उनको खुद को कितना अच्छा फील हो रहा है, वो मेकअप एंड हेयर स्टाइल दोनों से ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। बैक का हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, इसके बाद बारी आती है फ्रंट हेयर की। तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम इसमें क्रिएट करने वाले हैं फ्रंट क्लिक्स पे। इतना अच्छा लगता है व्हेन यू हैव अ टीम
जो आपकी पूरी हेल्प करे। तो यहाँ पे मैंने मेकअप कंप्लीट कर लिया और मैं आराम से हेयर स्टाइल की वीडियो ले रही थी। एंड बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लगता है कि टीम वर्क होता है, कोई हेयर स्टाइल कर रहा है, कोई शेपिंग कर रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, तो बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है स्टूडियो में। एंड अगर आप देखना चाहते हो कि हमने स्टूडियो कैसे ओपन किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमने की है स्टूडियो बनाने में, अगर आप चाहते हो मैं उसकी भी वीडियोज़ बनाऊँ तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट्स में बताना। और इसी के साथ अब हम फ्रंट फ्लिक को भी वॉल्यूम देने वाले हैं और अच्छे से सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पहले स्प्रे लगाया, उसको स्प्रेड किया और फिर नीचे कर देंगे कर्व, और यही स्टेप हमें दोनों तरफ फॉलो करना है। और यहाँ पे हम वॉल्यूम या हाइट देने के लिए फ्रंट पे हम यहाँ पे सेट करेंगे इसको स्मॉल मेटल सेक्शन क्लिप से, इस तरीके से अभी आप देखोगे कि हम लगाएंगे इस पे। और अच्छे से इसको शेप देने के बाद हार्ड स्प्रे का यूज़ करना है, इस तरीके से आपको क्लिप लगाना है ताकि एज इट इज़ रहे, और 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और बाद में हटाएंगे। और इसी तरीके से सेम दूसरी साइड पे भी कर्ल करेंगे और देख सकते हो कितना सुंदर इनके फेस पे ये फ्लिक लग रही है। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे दोनों साइड पे, और ये भी आपको मेक श्योर करना है कि दोनों साइड से इक्वल लगे, क्योंकि फेस पे जो साइड पर फ्लिक्स आते हैं वो इक्वल लगना बहुत ज़रूरी है। तो इसे भी हम अच्छे से यहाँ पर हम थोड़ी सी वैक्यूम कर रहे हैं ताकि ये वॉल्यूमिनस लगे। और इसके बाद हम फ्रंट पे भी थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, स्प्रे करेंगे, क्लिप लगाएंगे और इसको भी कर्ल कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा हेयर स्टाइल जो है वो होगा कंप्लीट। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी हो तो ज़रूर मुझे बताना। एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो, ये हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो, हमारा स्टूडियो अच्छा लगा हो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।